एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं मस्त हैं स्वस्थ हैं पॉजिटिव हैं अच्छे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं तो गाइस आप सभी का वेलकम है लवर्स स्टैरोड गाइडेंस में तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोड कार्ड रीडिंग लेके आई हूं, ले हूं ठीक है तो आज की रीडिंग का टॉपिक है अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ या ऑन ऑफ में भी हो ठीक है लेस कॉन्टेक्ट है कभी कभी ये फोन करते हैं आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं या फिर आप कन्फ्यूज हो कि पता नहीं क्या सोचता रहता है ये या क्या सोचती रहती है ये इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ है नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो ये रीडिंग आपके लिए ठीक है तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है और आते रहते हो रीडिंग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे नहीं चलेगा जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है ठीक है तो चलिए आपके रिश्ते की वाइब्रेशन में देख लेती हूँ पेरोड कार्ड से लास्ट में मैसेजेस भी लेंगे और आ, आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर भी देखेंगे वो देखेंगे कैंडल वैक से ठीक है करंट फीलिंग्स और रिश्ते का फ्यूचर हम देखेंगे कैंडल वैक से वाई नीजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है ओके okay. यहाँ पर है नेवर एंडिंग स्टोरी यहां पर है टूथ बी टोल्ड यहां पर है फॉर्क इन द रोड हम्म यहां पर है यंग यहां पर है यंग यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड बॉटम से देख लेते हैं मेंडिंग तो करंट की बात जो दिख रही है ना मुझे आपके रिश्ते में तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है डेफिनेटली यहां पर कुछ भी सही नहीं चल रहा क्योंकि यहां पर नेवर एंडिंग स्टोरी जहां पर आप रो रहे हो परेशान हो यहां पर जो कार्ड आए हैं आप देखो ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड है इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई है कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाई है या छुपाई थी हो सकता है आपके सामने रिवील भी हो गई ठीक है या हो सकता है छुपा रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है करंट की सिचुएशन है ये छुपा रहे हैं कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि पास्ट की सिचुएशन है छुपाई थी ठीक है मुझे आपको सक था इनके ऊपर या सक कुछ तो छुपा रहे हैं कुछ तो गलत कर रहे हैं आपके पीठ पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है समथिंग आपको ये फील हो गया था इन्होंने ना मास्क लगाया था झूठा मास्क आपको झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठ बोला था पास्ट में ठीक है आप जिस चीज से हर्ट हुए हो आपकी इनकी हरकतों की वजह से इनके झूठ बोलने की वजह से क्योंकि आप कही कहीं ना कहीं साइके को आप फील तो कर लेते हो कि बंदा झूठ बोल रहा है या बंदी झूठ बोल रही है ठीक है आपके आपको कही कहीं ना कहीं गट फीलिंग है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है आपसे या झूठ बोल रही है आपको चीट कर रहा है या कर रही है या आपकी चीज आपके अच्छा ही करना ये फायदा उठा रहा है आप या उठा रही है आप कुछ पूछते नहीं हो कहीं ना कहीं पूछा भी हो तो भी ये सच नहीं बता रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिप्रेस्ड हो गए हो इस रिश्ते में परेशान रहे हो आज भी हो या चल रहे हो ठीक है मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहे आप में और कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए या किसी की बात सुन रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन द रोड का कार्ड का है जो कि कन्फ्यूजन दिखा रहा है जो कि दो रास्तों को दिखा रहा है दो रास्ते हैं ये समझ नहीं पा रहे मैं किस रास्ते में जाऊं कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है ठीक है मतलब अगर इतना प्यार है इतना भरोसा है आप पे तो आप किस तरफ चलना चाहिए ना इन्हें आंख बंद करके चलना चाहिए पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इनका प्यार आपके ऊपर से ना हटते हुए मुझे दिख रहा है हटते हुए यानी कि ये आपसे कुछ चीजें छुपाते हुए आप देखो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खोना भी नहीं चाहते हैं बताना भी नहीं चाहते हैं जगल कर रहे हैं दो चीजों में खुद की वजह से ना गलती कर रहे हैं और आप बहुत परेशान हो चुके हैं इनकी इन हरकतों की वजह से ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से या ये जो करते हुए आए हैं आपसे झूठ बोलना छुपाना आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पर आप नहीं चाहते कि आपको छोड़ें या, या आप ये रिश्ता टूट जाए आप इनसे बेहद प्यार करते हो क्यों क्योंकि यहां पर आया है ये गैंग का कार्ड ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हो सकता है कि अभी इनको रियलाइज नहीं है या फिर इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है इनका फोकस कहीं और दिख रहा है पर यहां पर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो ठीक है कुछ कार्मिक सिचुएशन की वजह से बिना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि ये जिसकी बातों में आ रहे हैं या जहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं किसी और इंसान को लेकर वो इनका कार्मिक है जो कार्मिक होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कंफ्यूज करके रखते हैं जो कार्मिक क्योंकि कार्मिक की तरफ जाना तो बनता ही है तभी तो बैलेंस होगा ना कर्मा तो कार्मिक अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ समझिए तो आपके पार्टनर हो सकता है वहां को अट्रैक्ट होगा या सुन लिया या आपको छोड़ दिया या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं वो किसी इंसान की वजह से हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है ठीक है पर यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन तो नहीं होगा कभी भी मतलब अभी तो है हो सकता है अभी है या चीजें खराब चल रही हैं पर हमेशा नहीं रहेगी क्यों क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो जितना प्यार आप इनको करते हो या ये आपसे करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता ठीक है ट्विन फ्लेम्स हो पास लाइफली कनेक्टेड हो हर बर्थ में आप दोनों साथ रहते हो तो तो वो तो है ही कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने तो हो ठीक है पर हाँ यहाँ पर दुनिया यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है यहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजन स्टेटस एज ट्रेडिशन पैसों का फाइनेंस का डिफरेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर कंट्री ट्रेडिशन किसी का भी पैसों से रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ चीजें ऐसी है ना जहां पर हो सकता है आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो कुछ चीजें ऐसी है ना जो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती समाज एक्सेप्ट नहीं करता ठीक है ये फंस गए हैं कि क्या करूं दुनिया की सुनूं समाज को लेकर चलूं क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना बहुत कॉन्शियस है ये अपनी इमेज को लेकर चीजों को लेकर कि मेरी इमेज ना डाउन हो जाए वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में या वो क्या सोच रही है या फिर एक्सेप्ट नहीं करते आपके साथ ना ये प्यार को ये खुलकर एक्सेप्ट नहीं करते खुलकर नहीं बताते छुपा के रखते हैं वो एनर्जी भी हो सकती है अगर स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये चीजें तो दिख ही रही है ठीक है कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये सब सबको छोड़कर आपकी तरफ आए आपको एक्सेप्ट करें पर ये नहीं कर रहे करंटली वाइब्रेशन तो यही दिख रही है आप दोनों के रिश्ते की या या तो पास्ट में रहा है ये सब या करंटली भी अभी भी है या कुछ लोगों के लिए तो चल ही रहा है ठीक है अब हम इससे देखेंगे फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर और आपका और बाकी हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स ठीक है तो फोकस करना है कैंडल को देखकर आपको अपने पार्टनर के ऊपर उनका फेस विजुलाइज करना उनका नाम ले सकते हैं ठीक है लेट्स स्टार्ट यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यू ओ माई गॉड देख रहे हो कैंडल ही बुझ गई है आजकल रीडिंग में कैंडल बुझ जा रही है आपके पार्टनर मुझे सही मनोस्थिति में नहीं दिख रहे यानी कि मानसिक संतुलन इनका सही नहीं दिख रहा या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस uh, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से ठीक है गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय वो क्या सोच रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं गाइड कीजिए देखो स्टिल यहां पर ये मुझे कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं आपको लेकर स्टिल कंफ्यूज है फॉगिनेस दिख रहा है यहां पर राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी दिख रही है यानी कि कंफ्यूजन यहां पर समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं क्या करना चाहिए कैसे क्या करूं कंफ्यूज्ड या तो ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं या स्टिल अभी भी है आपको लेकर या सिचुएशन को लेकर क्योंकि देखो इनका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है मतलब दिल इनका आपकी तरफ आने को बोलता है दिल इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है पर दिमाग इनका ना कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रहा है इनको फायदा किसी थर्ड पर्सन से किसी से तो इनको फायदा हो रहा है या हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि वहां तो मेरा फायदा है या वहां मेरा फायदा हो सकता है ठीक है मतलब ऐसा दिख रहा है अगर आप दोनों के बीच में यहां पर कोई थर्ड पार्टी है तो वहां पर ये ऐसा नहीं कि प्यार की वजह से उससे जुड़े हैं कुछ फायदे की वजह से कुछ प्रॉफिट की वजह से उससे जुड़े हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर ठीक है पैशन काफी ज्यादा फील कर रहे हैं यहां पर पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए ठीक है वहां इनका प्यार नहीं दिख रहा है वहां एक मजबूरी है कुछ लोगों के पार्टनर की दिख रही है या फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी अगर कोई ऐसा चीज है जिससे जिस, जिस वजह से आपको छोड़ा वहां पर प्रॉब्लम जरूर है Uh, वहां मजबूरी या फिर ऐसा अपने फायदे की वजह से गए हैं खुद से गए हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि हर कोई मजबूरी है हर किसी का पार्टनर मजबूरी है नहीं ये इंसान मजबूर है किसी के लिए हो सकता है पर अपनी मर्जी से भी गया है या गई है ठीक है क्योंकि मुझे यहां पर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करा बातें नहीं करी बहुत लेस कम्युनिकेशन दिख रहा है या फिर जीरो कम्युनिकेशन दिख रहा है ठीक है क्लैरिटी नहीं देते हैं बचते हैं ये आपके सवालों से, आपकी बातों से ये बचने की कोशिश बहुत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्टिल कुछ चीजें इन्होंने छुपाई हैं आपसे और आज भी छुपाते हुए दिख रहे हैं कुछ चीजें इनके मन में बहुत चीजें हैं जो ये छुपा रहे हैं ठीक है कहीं ना कहीं अपना प्यार भी आपको शो नहीं होने दे रहे हैं प्यार भी है इनके दिल में जो कि ये छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं ठीक है आपके लिए पैशन तो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं इनका दिल कहता है कि उसी के साथ रहो बस उसी के साथ चीजें सही हो सकती हैं पर कहीं ना कहीं समाज का डर लोगों का डर फैमिली का डर यहां पर कुछ डर है इनके मन में ठीक है लेकिन बात आपसे बात करना चाहते हैं ये पता है क्या सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता भी रखा जाए आपके साथ कनेक्शन में रहा जाए रिश्ते में रहा जाए पर आप कमिटमेंट ना मांगो क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपका इस रिश्ते को अब आपके घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं या आप चाहते हो कि ये आप शादी करें या कुछ नाम तो दें एटलीस्ट पर ये ना ये उन चीजों से बच रहे हैं इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते या ऑन ऑफ कर रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते यहां पर प्यार तो दिख रहा है इनके दिल में पर हाँ चीजों को लेकर बच रहे हैं ये भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बच रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हैं ठीक है ये चीजें भी दिख रही है मुझे यहां पर मुझे यहां पर इनका जो डिकसाइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि बहुत ज्यादा निकल के आई है ठीक है ए लियो सैजिटेरियस भी दिख रहा है मे सिंह राशि आपकी भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है ठीक है आपकी भी हो सकती है आप इनसे बात करना चाहते हो चीजें क्लियर करना चाहते हो कम्युनिकेट करना चाहते हो मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाया बहुत ज्यादा प्यार दिखाया जब आप इनके प्यार में पड़े तो इन्होंने किनारा कर लिया आपसे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पहले तो बहुत शो करा प्रिटेंड किया और जब बारी थी जताने की निभाने की ये चले गए ऐसी एनर्जी दिख रही है लग, ये ना कमिटमेंट इशू मुझे दिख रहे हैं कमिटमेंटल इशू इनके अंदर बहुत है ये बहुत ज्यादा डरते हैं फैमिली से घर वालों से या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते हैं बस इनको छुप छुप कर रिश्ता रखना है कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे आप इन्हीं की वजह से इनकी वजह से ना आपको क्योंकि ये मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे हैं ना आपको बढ़ने दे रहे हैं ना या आप बढ़ पा रहे हो सकता है ये कुछ कर भी नहीं रहे तो भी नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको इतना प्यार जताया है इतना प्यार दिया है किया है अपनी आदत लगा के आपको छोड़ दिया और आप ऐसे हो कि किसी के साथ एक बार अटैच हो जाओ जुड़ जाओ फिर भूल नहीं पाते हो आप अटैच हो गए तो हो गए वाली एनर्जी दिख रही है आप बहुत करंटली आप बहुत भी आप ना बहुत स्ट्रेस में डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हो पर आप कहीं ना कहीं अपनी अपने ऊपर फोकस्ड करते हुए भी मुझे दिख रहे हो आप चाहते हो कि आप पॉजिटिव रहो इस इंसान को भूल जाओ आपको ऐसा लगता है ना समटाइम्स की मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में ये बहुत गलत करता है या करती है मुझे इस पर ट्रस्ट भी नहीं है और ये आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका भी दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है और पता है क्यों हो रहा है आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर कर रहे हो क्यों क्योंकि आप लोग टू इन्फ्लुंस हो जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही आपके पार्टनर फील कर रहे हैं ठीक है ठीके? आपको ऐसा फील होता है इसने मेरा बस यूज ही किया मेरा इस्तेमाल कर दिया और मुझे छोड़ दिया ये बहुत मतलबी इंसान है आप कई बार ऐसा फील करते हो तो आपको बुरा लगता है कि क्यों किया इसने आखिर मेरा दिल क्यों तोड़ा वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आप ना यहाँ पर बहुत परेशान मुझे दिख रहे हो गाइज मुझे यहाँ पर टॉरस कैप्रिकॉन की भी एनर्जी दिख रही है कन्या मकर राशि भी दिख रही है मैं यहाँ पर देख रही हूं ना मुझे सी इनिशियल मुझे बी इनिशियल दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है ना आप इन दूरियों को कम करने की बहुत कोशिश करते रहे करते रहे एक टाइम पे आपने बहुत चीजें की इनके लिए कि रिश्ता खराब ना हो ना टूटे आज भी आप इनसे चाहते हो कि जो भी है दिल में तुम्हारे बोल दो बोल दो सच तो बोलो बस सच बोलो चाहे कितना हार्श हो कितना तकलीफ हो पर सच हो आप ऐसा फील कर रहे हो जो भी है मतलब एक क्लैरिटी तो हो क्योंकि इन्होंने इन ना आपको हमेशा मिक्स फीलिंग दी है क्लैरिटी नहीं दी आप इनसे बहुत अटैच हो गए ऐसा दिख रहा है कि फिजिकली भी आप दोनों के बीच में इंटरमेसी दिख रही है अगर आप अपन मैरिड भी हो ना आप बहुत ज्यादा इनसे अटैच मुझे दिख रहे हो बहुत अटैच आप मतलब आपका कहीं ना कहीं प्यार से भरोसा उठना इनसे भरोसा उठना दिल टूटना वो एनर्जी दिख रही है आपकी आप ना बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि कुछ नहीं कर पा रहे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो आप इनको लेकर ठीक है यहां पर मुझे कुछ इनिशियल्स और दिख रहे हैं मुझे बी दिख रहा है एच दिख रहा है मैंने बी बोला नहीं बोला आई डोंट नो बी दिख रहा है एच दिख रहा है हाँ यहां पर के दिख रहा है यहां पर डी दिख रहा है एम दिख रहा है एल दिख रहा है आई दिख रहा है ठीक है डब्ल्यू भी हो सकता है पी दिख रहा है आर हो सकता है यहां पर टी भी दिख रहा है गाइस ये इनिशियल मैं अगेन कहूंगी आपके भी हो सकते हैं क्योंकि मैं यहां पर ट्विन फ्लेम्स बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो तो हो सकता है कि ये इनिशियल्स भी आपसे रेजोनेट हो जाएं या इनसे रेजोनेट हो ठीक है मुझे एट नंबर यहां पर नंबर्स भी दिख रहे हैं एट नंबर सेवन नंबर फोर नंबर थ्री नंबर सेवन नंबर आपका या तो आपके पार्टनर का मूलांक है भाग्यांक है या फिर कुछ ना कुछ अटैच आप दोनों से रिलेटेड है ये नंबर्स ठीक है हम्म hmm. अभी तो इनकी एनर्जी में भी ना मुझे ऐसा कुछ कंफ्यूजन ही ज्यादा दिख रहा है ठीक है देखो फील भी कर रहे हैं पर अभी भी अपना फायदा ही सोच रहे हैं ये करंट की सिचुएशन में आपको सच बताऊंगी अभी भी अपना फायदा को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि दिल भी टूटता है समझते भी है प्यार भी नहीं है किसी के लिए प्यार बस आपके लिए है पर हाँ फायदा यहां पर मुझे मनी का फाइनेंस का या कुछ ना कुछ फायदा या लोगों का सोचकर कुछ ना कुछ चीजें सोचकर तो जरूर ये आपसे दूरी बना रहे हैं या फिर हो सकता है आते जाते रहते हैं एकदम से याद आ गई फिर कांटेक्ट कर लिया आप आप फोन करो तो आपका फोन नहीं उठाया आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपको इग्नोर किया वो चीजें भी दिख रही हैं अपने हिसाब से चलाते हुए आए हैं ये रिश्ते को और ऐसा दिख रहा है अभी भी इनको कुछ कर्मा इनको कुछ लेसन मिलना बाकी है अभी तो यही दिख रहा है अभी और हो सकता है मिल भी रहा है पर अभी और इनको कर्मा लेसन मिलना बाकी है फिर ही ये सुधर कर आपके पास आएंगे ठीक है थोड़ा टाइम तो लगेगा हाँ डेफिनेटली टाइम लगेगा क्योंकि इनको ये ना प्यार तो आपके लिए फील कर रहे हैं एक चेंजेस मुझे यहां पर प्यार फील करते हुए जरूर आपको दिख रहे हैं मुझे यहां पर और आपके बारे में सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं जो कि एक टाइम पे ना आपके बारे में सोच नहीं रहे थे नेगेटिव हो रहे थे कहीं ना कहीं आपको लेकर अभी पॉजिटिव हो रहे हैं बस इतना ही दिख रहा है अभी आते हुए या कुछ सोचते आपकी तरफ आने की सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं ठीक है यूनिवर्सिटी वाइम एंजल्स गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के तो कुछ मैसेजेस गिर गए हैं इतने ले लेते हैं यू नेवर गिव अप ऑन मी वेन आई एम एट वर्स्ट हो सकता है आपने इनकी बुरी से बुरी सिचुएशन में ना कभी गिव अप नहीं किया आपने इनका साथ दिया है लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं या चले गए हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कभी नहीं छोड़ा इनको ठीक है आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज जब भी ये आंखें बंद करते हैं बस आप ही का फेस इनको दिखाई देता है मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं ठीक है ऐसा इनको फील हो रहा है यू वुड डू एनीथिंग आई से आप जो ये जो भी कहते थे ना आप करते थे आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव जब से आपको छोड़ा है इन्होंने जब से आपने इनसे बात करनी छोड़ी है तब से ये आपको एक एक सेकंड याद कर रहे हैं एक एक सेकंड आपको मिस कर रहे हैं इनको ऐसा फील हो रहा है यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स आप इनको अच्छे अच्छे नामों से बुलाते थे हो सकता है आप कुछ ना कुछ क्यूट नेम्स इनको बुलाते थे इनको याद आ रही है आपकी बेसिकली बहुत मिस कर रहे हैं यू गिव गिव अमेजिंग हक तो आपका हक ये मिस कर रहे हैं आपको टाइटली हक करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर है यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ आपने ना इनके बुरे मतलब जब भी इनका मूड खराब हुआ कुछ ना कुछ आप बोलते थे ताकि ये हंस जाएं कुछ ना कुछ पागलपंती या कुछ ना कुछ मजाक आप करते रहते थे चाहे इनका मूड लाइट हो जाए यू कंप्लीट मी आप ही इनको कंप्लीट करते हो आप इनको कंप्लीट करते हो इनको ऐसा फील हो रहा है आप सब कुछ हो इनके लिए ठीक है इनकी पूरी दुनिया आप हो ऐसा ये फील कर रहे हैं ओके तो यस गाइज ये थी आज आप लोगों की रीडिंग रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कमेंट और शेयर भी कीजिएगा ओके बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर गाय